Hey guys, welcome back to new news video. काफी सारे ऐसे न्यूज आ रही है और मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मुनव्वर फारूकी को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो एक हुक्का बार में ड्रग्स कंज्यूम कर रहे थे, ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है। मीडिया और रिपोर्ट्स की माने तो उन पर COTPA और सिगरेट्स एंड अदर तमाको प्रोडक्ट एक्ट 2003 का केस लगा है। मीडिया की हम मान नहीं सकते क्योंकि हमारी मीडिया 161 पे रैंक करती है। चलो अब मैं बताता हूँ कि असली सच्चाई क्या है। ये बात बिल्कुल सच है कि मुनव्वर फारूकी बार में गए थे जो कि इनलीगली चल रहा था, लेकिन मुनव्वर फारूकी ने कोई ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया और ना ही उनको अरेस्ट किया गया, बल्कि जो बेसिक प्रोसीडर होता है उनसे क्वेश्चंस पूछे गए एंड देन उनको रिलीज कर दिया गया। केस रजिस्टर हुआ उस बार के मालिक पर, ना कि वहाँ पे जो कस्टमर गए थे उस पर। और ये बात मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ। ये इंसिडेंट लास्ट नाइट मुंबई का था और ये बात मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ। मुनव्वर फारूकी की इंस्टा स्टोरी में बात में 6 घंटे पहले ही वो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में खड़े थे क्योंकि उनको वर्क के लिए कहीं जाना था, इसलिए वो अभी प्लेन में होंगे। दैट्स व्हाई रियल इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करना।